this is not necessary. No. प्लीज सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आज भी राज को और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू। खत्म करो 124 हमारे सिपाही मारे गए। आपकी कश्मीर की पॉलिसी क्या है? मैं आपके जरिए से आखिर में हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप कांग्रेस मुक्त चाहते हैं या मुसलमान दलित मुक्त भारत चाहते हैं? बोलिए, मैं किसानों की बात नहीं करूंगा, मैं दलित की बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर की बात। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, न मैं कभी पाकिस्तानी था, न कभी मैं पाकिस्तानी बनूंगा। किसानों की बात हो रही थी, किसानों ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से कहा था कि हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 सबसे अमीर लोगों का माफ किया, मगर किसानों की आवाज नहीं सुनी। माफ किया ही नहीं। कुछ ही दिन पहले एक नया जुमला स्ट्राइक, कहां चले गए एक नया जुमला स्ट्राइक, एमएसपी का जुमला स्ट्राइक। और हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आपको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया है। कर्नाटक की सरकार ने, सिर्फ एक प्रदेश ने 34,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को दिए। इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पर लिखा था कि हिंदुस्तान अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा। ये तो शेम बोलोगे तो हम सबके लिए छे। प्लीज डोंट से सवाल सबके लिए। यस, बाहर देशों में ओपिनियन है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में, हजारों साल पहले नहीं हुआ है, मगर पहली बार अपनी हिस्ट्री में अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। क्या दलित माइनॉरिटीज और आदिवासी हिंदुस्तान के नहीं है? क्या ये किसी और देश के हैं? ये महिला हमारी देश की नहीं है? तो जब ये होता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? मेरा सवाल अपने भाषण में वो उसका जवाब दे। मंत्री जाके हार डाल दी। तो जहां भी देखो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी की हत्या हो रही है, किसी ना किसी हिंदुस्तानी को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये देश को शोभा नहीं देता है। और जब ऐसी बात होती है तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो देश को बताएं, अपने दिल के अंदर जो है वो देश को बताएं। द प्राइम मिनिस्टर, नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई स्पीच, सो इफ यू वुड लेट मी से, इट्स इंटरेस्टिंग यू लाइक इट। अभी जब मैं अंदर गया, विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी, कहा बहुत अच्छा बोले, मगर हैरान हुआ कि जब मैं वहां गया, आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले। देख रही थी।
विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं। अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है, मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे लेने की जरूरत, इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया। हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस ये आपने मुझे सिखाया है, और इसके लिए मैं आपको दिल से अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे देश का इतिहास है और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा, एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। राहुल जी ऐसा नहीं, ये हाउस है, हाउस के अपने कुछ नियम है। अरे मैं बोल रहा हूँ, आपका भाषण कंप्लीट हो गया। निर्मल, कईयों के मन में प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों और सरकार को गिराने की इतना ही उतावलापन था, तो मैं हैरान था कि सामने इसको 48 घंटे रोक दिया जाए, चर्चा की जल्दी जरूरत नहीं है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी तो क्या आसमान फट जाएगा, क्या भूकंप आ जाएगा, क्या भूकंप आ जाएगा, क्या न जाने। अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी, 48 घंटे और देर कर दो तो फिर लाए क्यों? मोदी हटा। मैं तो हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था,
फिर भी जिनको यहाँ पहुंचने की उत्साह है उठो उठो उठो। अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनती है तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, लेकिन दूसरों की ढेर सारी ख्वाहिश है, उनका क्या होगा इस बारे में कंफ्यूजन है। राष्ट्रीय योग दिवस उस पर भी विश्वास नहीं, देश के मुख्य न्यायाधीश उन पर भी विश्वास नहीं, रिजर्व बैंक उन पर भी विश्वास नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े देने वाली संस्थाएं उन पर भी विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं, क्यों? क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है। आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही, मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। कांग्रेस ही थी, जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए? मैं जरा पूछना चाहता हूं, अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी को तो कांग्रेस, अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकारों का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी तब पेट्रोलियमों को बाहर रखने का, जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था। चिंता मत कीजिए, हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आज यहां ये भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। ना हम सौदागर हैं, ना हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं। हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है, हमें गर्व है इस बात का। कांग्रेस का एक ही मंत्र है, या तो हम रहेंगे, और अगर हम नहीं हुए तो फिर देश में अस्थिरता रहेगी, अफवाहों का साम्राज्य रहेगा। कामगार हो, किसान हो, उनके दुखों की चिंता के बिना समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने के बजाय चुनाव जीतने के शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास हुआ है देश में, और उसी का कारण है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका सशक्तिकरण से वंचित रह गया है। बार बार
बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा, उनके पहनावे पर, उनकी राजनीति पर मजाक उड़ाने वाले लोग आज बाबा साहब के गीत गाने लगे हैं। धारा 356 का बार बार उपयोग दुरुपयोग करने वाले हमें लोकतंत्र के पाठ पढ़ाने की बातें करते हैं। हम तो डूबे शाम तुम भी डूबोगे, इनका भी यही हाल होने वाला है। लेकिन मैं अर्थ और अनर्थ में हमेशा उलझे हुए अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानने वाले और विद्वता का जिनको अहंकार है, अर्थ और अनर्थ में हमेशा उलझे हुए वैसे अनेक राज्यों में कांग्रेस का प्रभाव खत्म होता गया। ये इनटू इन्वर्टेड कोटेबल कोट है और ये है 11 अप्रैल 1997 का और देवेगौड़ा जी की सरकार का जब विश्वास प्रस्ताव चल रहा था उस समय अर्थ और अनर्थ में उलझे हुए आपके विद्वान महारथी श्रीमान चिदंबरम जी का यह वाक्य है। अगर आपका अहंकार ना होता, आपने राज्यों के समस्याओं को समझा होता तो जीएसटी 5 साल पहले आ जाता। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक ये बैंकों को लूटने का खेल चलता रहा। एक आंकड़ा इस सदन के लोगों को भी चौंका देगा। आजादी के 60 साल बाद माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के 60 साल की मैं 60 साल में हमारे देश की बैंकों ने लोन के रूप में जो राशि दी थी वो 18 लाख करोड़ थी, लेकिन 2008 से 2014 6 साल में ये राशि 18 लाख से 52 लाख करोड़ हो गई। 60 साल में 18 लाख, 6 साल में 52 लाख पहुंचाई। कांग्रेस के लोग ऐसे बुद्धिमान है कि दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग आने से पहले भारत में फोन बैंकिंग शुरू हुआ, ये टेलीफोन बैंकिंग शुरू हुआ और टेलीफोन बैंकिंग का एक कमाल था कि 6 साल में 18 लाख से 52 लाख अपने चहेते लोगों को खजाना लुटा दिया गया बैंकों से। और तरीका क्या था? कागज देखना पड़े कुछ नहीं, टेलीफोन आया लोन दे दो, लोन देने का समय आया उसके लिए दूसरी लोन दे दो, वो लोन देने का समय आया दूसरी लोन दे दो, जो गया सो गया, जमा करने के लिए नई लोन दे के चलो। यही कुछ चक्र चलता गया और देश की बैंक एनपीए के विशाल जंजाल में फंस गई। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। दोज इन फेवर में से आए, दोज अगेंस्ट में से नो, नाउ द डिविजन।